बोरर स्टेम स्टेम बोरर धान का जो स्टेम रहता है स्टेम को बोर करता है इसलिए उसको कॉमनली इट इज कॉल्ड स्टेम बोरर है ना। हिंदी में इसको दनाछेदक बोलते हैं। ये जो है पत्ती पे इसके एग मास रहते हैं, जो फीमेल मौत रहती है वो पत्ती पे एग मास रखती है और उसमें से एग मास में से जब लार्वा जो है हैचिंग होता है, हैचिंग होकर के वो अपना सलाइवा से लटकता है और हवा चलती है तो किसी टेलर्स के संपर्क में जैसे ही आता है हवा से हिलता है, तो जैसे ही वो आता है तो वो पैरों से अपना उसको पकड़ लेता है और उसके बाद में वो फिर कंसे में जा कर के सबसे नीचे होल करके उसमें वो अंदर बोर करता है, होल करता है, तो वो इसीलिए इसका नाम बोरर पड़ा है नेचर ऑफ डैमेज के हिसाब से। ये अंदर चूँकि कंसील्ड कंडीशन में जब तक बाहर है तभी तक वो दिखेगा, उसके बाद वो अंदर चला जाएगा, अंदर से जो ग्रोइंग पॉइंट रहता है उसको जा करके वहाँ पूरा ये टनलिंग करता है, डैमेज हाँ पूरा डैमेज अंदर खाता रहता है, तो उसकी वजह से क्या है ग्रोइंग पॉइंट जो रहता है इट शुड बी डेवलप्ड इनटू द पैनिकल, बाद में इसमें ग्रोथ होती है और इसमें बाली आती है, तो जब ये बीच में से इस वाले हिस्से को सुखा देता है काट देता है अंदर से तो वो डेड हार्ट मुर्दा दिल बोलते हैं, क्योंकि बीच का सेंट्रल शूट को काट रहा है तो इसलिए इसको मुर्दा दिल बोलते हैं, और ये सूख जाता है फिर इसमें बाली नहीं आती, मतलब जितने टेलर्स कंसे होंगे पौधे में उतनी बाली आएंगी, तो एक टेलर को अफेक्ट कर दिया मतलब एक बाली पूरी, एक बाली मतलब आपका 140 148 ग्रेन्स जो है वो समाप्त हुआ, तो ये इस प्रकार से डैमेज करता है अंदर जा कर के, देख रहे हैं ना ये एक्सक्रीटा भरा हुआ है उसका जो डैमेज है ना, ये एक्सक्रीटा कई बार क्या है कि वो उधर अंदर रह जाता है, कई बार आपको इसमें साथ में कीड़ा ये पूरा जो है एक्सक्रीटा दिख रहा है। वो अंदर की तरफ रह गया होगा, ऊपर नहीं गया है, इस तरफ नीचे जहाँ से टूट गया ना उस तरफ चला गया, दो चार खींचेंगे तो उसमें किसी न किसी में आपको जो है लार्वा जो मिल जाएगा, डैमेजिंग स्टेज है, नुकसान करने वाला सिर्फ लार्वा रहता है। कीड़े में दो प्रकार के कीड़े रहते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस वहाँ तीन स्टेज होती हैं, अंडा लार्वा या जिसको निम्फ बोलते हैं, तीन स्टेज वाले में जो लार्वा है उसको निम्फ बोलते हैं, निम्फ एंड एडल्ट, उसमें पीपा नहीं होता, जहाँ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है वहाँ चार स्टेज होती हैं, अंडा लार्वा पीपा एडल्ट, और उसमें जो एडल्ट है और लार्वा एकदम डिफरेंट रहते हैं, फीडिंग हैबिट और दूसरी हैबिट्स लुक्स पूरा क्या है चेंज हो जाता है एडल्ट में, आप आश्चर्यजनक आपको लगेगा कि ये जो काटने वाला इस टाइप की इल्ली है ये तितली बन गई एडल्ट में, लेकिन जो निम्फ जो तीन स्टेज जिसमें रहती हैं निम्फ रहता है, निम्फ दे लुक्स लाइक एडल्ट, सिर्फ उसमें साइज क्योंकि साइज का अंतर है, एडल्ट जो है बड़ा होगा और उसमें बिंग्स होंगे, हाँ निम्फ छोटा होगा बिंग लेस होगा और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं होगी, बस इतना अंतर रहता है, फीडिंग हैबिट सेम रहती है, उसमें दोनों जो है डैमेजिंग स्टेज रहती है, एडल्ट भी नुकसान करता है निम्फ भी करता है। ये जो है स्पोडोप्टेरा है, ये तंबाकू की इल्ली इसको कॉमन नाम है इसका, ये एग मास देते हैं, ये भी इसीलिए क्या है कि सभी जो है एक पत्ती पे कई हैं, ये तो कम है बाकी आपको और बहुत ज़्यादा पूरा पत्ती जो है इससे कवर दिखेगी शुरुआती वर्ष का ग्रिगेर, हाँ ग्रिगेरियस फेज में चूँकि एग मास से निकलने के बाद में एक पत्ती पे ही वो क्लोरोफिल को फीड करते हैं और इस प्रकार का ये पूरा फीडिंग कर लिया है, क्लोरोफिल हरा पदार्थ सिर्फ जो है मेम्ब्रेन है वो दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ये डैमेज करते हैं और थर्ड इंस्टार में फिर ये स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से मूव करके इंडिविजुअल प्लांट्स में चले जाते हैं और फिर उसको किल करना, क्योंकि इस ये इसकी जो लाइफ साइकिल में ये वीक पॉइंट्स हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं
कंट्रोल पर्पज़ के लिए। तो यदि हम इस स्टेज में यदि हम पूरा विजिट करते हैं फील्ड का टाइम मतलब वीकली, तो हमको इस टाइप का जैसे स्टेज दिखेगा दूर से दिख जाएगा पत्ती जो है इस टाइप की, तो वो हम जा करके जैसे ऐसी पत्ती दिखती है वहाँ तुरंत जा करके उसको पलट के देखेंगे, उसमें कीड़े दिखेंगे, पत्ती को कलेक्ट कर लें बकेट में और इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ये गड्ढा खोद करके उसमें गड़ा दें या कैसे भी डिस्ट्रॉय कर दें, केरोसिन ऑयल में डाल दें या, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कीटनाशक दवाएं जो है दे आर दी पॉइजन्स, है ना, पूरा एनवायरनमेंट है, केमिकल्स हैं तो पूरा एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। तो हमको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दवा डालने से बचना चाहिए, यदि हम बगैर दवा के ही कोई उपाय हो सकता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, है ना। तो इसलिए क्या है कि इस स्टेज में इसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में तो ये क्या है कि फॉलिएज फीडर है, वो तो डिफॉलिएटर है, पूरा का पूरा जो पत्ती साफ करते हैं। और बहुत ज़्यादा सीवियर जब अटैक इसका होता है तो पूरी जो सोयाबीन मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है, पूरा तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन ख़त्म कर देता है। इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है, ये सब सोयाबीन जो लगा है ये सीड प्रोडक्शन के लिए है, किसानों को जाना है, तो कई जगह क्या है सीड प्रोडक्शन का जो है कीड़े ने बर्बाद कर दिया, तो उतना सीड जो कि सीड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी यदि बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ अपने यहाँ तो उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन दूसरी जगह काफ़ी जगह डैमेज हो चुका है। पॉलीफेगस पेस्ट है, तंबाकू की इल्ली का है, तीन प्रकार के पेस्ट रहते हैं, ओलिगो मोनोफेगस, ओलिगोफेगस एंड पॉलीफेगस। मोनोफेगस जो रहता है जैसे रेशम का कीट है, रेशम में मलबेरी शहतूत का, वो शहतूत की पत्ती के अलावा और कुछ नहीं खाता है। यदि उसको आप शहतूत की पत्ती नहीं देंगे तो ये मर जाएगा ड्यू टू स्टारविंग, है ना, लेकिन इट विल नॉट फीड ऑन अनदर होस्ट। हाँ, और लेकिन ये जो है पॉलीफेगस होते हैं इनका जो होस्ट रेंज है बहुत बड़ा रहता है, मतलब सेवरल काइंड ऑफ बीट्स, सेवरल क्रॉप्स, वाइल्ड सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फाइबर्स, है ना, सभी प्रकार के क्रॉप्स को डैमेज करता है। तो होस्ट रेंज सिर्फ एक किसी किसी का क्या पर्टिकुलर फैमिली जो है प्लांट्स की जो फैमिली है उसके कुछ जीनस को अफेक्ट, वो ओलिगोफेगस कहलाते हैं। मोनोफेगस मतलब किसी पर्टिकुलर फैमिली के पर्टिकुलर जीनस को ही, और जीनस क्या स्पेसीज उसको वो मोनोफेगस होता है। जैसे स्टेम बोरर है राइस का, ये भी मोनोफेगस है, ये राइस में ही सिर्फ आता है, दूसरे किसी उसको अफेक्ट नहीं करता। तो मोनोफेगस, ये पॉलीफेगस है, ये क्या है कि इसको जो मिलेगा मतलब इसकी होस्ट रेंज बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि इनको सर्वाइवल के जरिए इसे हैवॉक क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई होस्ट मिल जाएगा सर्वाइवल के लिए। बाकी जो मोनोफेगस रहते हैं वो पर्टिकुलर क्रॉप नहीं मिलेगी या नहीं होस्ट अवेलेबल नहीं होगा तो मॉर्टलिटी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, आगे क्या है कि जो पॉपुलेशन बिल्डअप है वो नहीं होगा। लेकिन इनके केस में क्या है कि दे गेट द होस्ट प्लांट ऑल राउंड द ईयर, क्योंकि होस्ट रेंज बहुत है, कुछ नहीं मिलेगा अगर आप नहीं मिलेगी तो बीट्स बीट्स पे भी सर्वाइव करते हैं। ठीक, थैंक यू सर। यहाँ पे खड़े हो जाइए, सब पीछे खड़े जाते हैं, इधर इधर।